नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। संभल से दिल दहला देने वाली खबर है, जहां एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप हुआ। थाना पुलिस छात्रा और उसके परिवार पर फैसला करने का दबाव बनाती रही, यही नहीं पुलिस छात्रा को ही गलत साबित करने पर तुली रही। न्याय को छात्रा सीओ कप्तान और डीआईजी के दफ्तर तक फरियादी को भटकी। जब किसी ने न्याय नहीं मिला तो उसने आज फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड के बाद मौके पर पहुंची पुलिस का पीड़ित परिवार ने जमकर विरोध किया है। पूरा मामला कुड़ फतेहगढ़ थाना इलाके गांव का है, जहां कक्षा 8वीं की एक नाबालिग छात्रा को रजपुरा थाना इलाके का दरिंदा अगवा कर ले गया। आरोपी ने रेप किया। वहीं 164 के बयानों में छात्रा ने चार लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने 15 जुलाई को केस दर्ज किया। आरोप है कि अभियुक्त के गांव के ही रिश्तेदार आरोपी की मदद करते रहे। उधर आरोपी को पकड़ने की जगह पुलिस पीड़िता और उसकी मां पर फैसले का दबाव बनाती रही। पीड़िता की मां के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त पक्ष से अधिक आर्थिक साठगांठ कर ली है। उसने पुलिस पर घर आकर धमकाने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने थाने से विवेचना ट्रांसफर कराने की भी गुहार लगाई है। किसी जगह से न्याय न मिलने पर छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जिसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो परिजनों ने पुलिस का जमकर विरोध किया। वहीं पुलिस ने रेप पीड़िता के शव को पीएम को भेजा है, जहां पूरे मामले पर एसपी ने कहा है कि आत्महत्या को उकसाने की धारा मुकदमे में और जोर दी गई है। मगर बड़ा सवाल यह है कि पीड़िता न्याय को भटकती रही, आरोपी और थाना पुलिस फैसले को धमकाते रहे। पीड़िता की मां का जहां एसओ और दरोगा पर धमकाने और लड़की को ही गलत बताने के आरोप हैं, सीओ से एसपी तक पर अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने का आरोप है। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया है, जिसके जिम्मेदारों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होगी, पूरे प्रकरण में एसओ थाना पुलिस सीओ और एसपी की भूमिका पर सवाल ही खड़े कर रहे हैं। मेरे किसी ने कौन है ये तुम्हारी, कौन है ये मेरे लड़की है, क्या नाम था, कैसे कहते वो? अरे थाना कुड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत 15 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग है, उसके साथ 15 जुलाई से लगभग एक महीने पहले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसकी इस तहरीर पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए धारा 164 के बयान व अन्य बयानात व मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। इसके पश्चात धारा 164 के बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक नहीं अपितु चार लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है। उसके आधार पर उन चार लोगों के नाम की बढ़ोतरी की गई। आज 24 अगस्त को पीड़िता के द्वारा सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इसके परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 306 का एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें जो पीड़िता है उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि ये जो चार लोग हैं, ये जो पहले मुकदमे में अभियुक्त है उसके परिवारजन हैं और इनके द्वारा फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों को लगाकर एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। दोनों पक्ष ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और अन्य जो आगे डिटेल है वो आपको दी जाएगी।